ये है बोट का अवान्ते बार ओरायन जो कि 160 वोट आरएमएस के साथ 2.1 स्टीरियो साउंड बार है। एंड कमेंट सेक्शन में इसकी काफी ज्यादा हाइप चल रही थी, मैंने सोचा मंगा ही लेते हैं, तो मंगा लिया। बॉक्स के अंदर सबसे पहले ये साउंड बार, देन इसका एक बड़ा सा सबवूफर, एक पैकेट जिसमें से रिमोट बाहर निकल के गिर गया। तो ये है मास्टर रिमोट कंट्रोल जिसमें 4 EQ प्रीसेट्स के साथ बेस एंड ट्रेबल का भी कंट्रोल मिलता है, एंड बाकी सारी बेसिक चीजें लाइक ब्लूटूथ पेयरिंग की एंड इनपुट मोड्स। देन ये लिफाफा जिसमें काफी सारा पेपर वर्क, एंड ये 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ आता है, और इस पेपर पे बोट बताता है कि वो क्या क्या बनाता है। देन यहाँ पे 3 चीजें, ऑक्स केबल, होल माउंट के लिए गिट्टी पेच, वैसे स्क्रू फास्टनर भी बोल सकता था, देसी पे आ जाता। देन एक AAA बैटरी सेट निप्पो का है। तो ये सब हटाते हैं और सीधा इस पे आते हैं। इसके फ्रंट पे मिलती है मेटलिक ग्रिल जिसके सेंटर पे बोट की ब्रांडिंग एंड जस्ट ऊपर एक व्हाइट LED डिस्प्ले। दोनों साइड आपको दो दो ड्राइवर मिलते हैं ऑफ 2.25 इंचेस जिनका इंपेडेंस है 4 ओम। बाय द वे पूरा सिस्टम 4 ओम इंपेडेंस के साथ है। सबवूफर भी 4 ओम के साथ 6.5 इंचेस साइज में आता है और कंप्लीट MDF बिल्ड के साथ जिसमें सिर्फ बेस रिफ्लेक्स पोर्ट प्लास्टिक का मिल रहा है एंड ड्राइवर पर फैब्रिक मैश। ऑल्दो ये वायर्ड सबवूफर है जिसमें 2 मीटर की केबल मिल रही है। नाउ अगेन बैक टू द साउंड बार, ओवरऑल बिल्ड ABS प्लास्टिक का है। नीचे की साइड और दोनों एंड्स पे आपको LED लाइट मिल रही है ब्लू कलर की जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वेल, जरूरत नहीं पड़ती, काफी ज्यादा कूल लगती है और एक एस्थेटिक लुक आता है। इसके राइट हैंड पे आपको USB पोर्ट और कुछ फिजिकल कीज, एंड यहीं पे लाइट ऑन ऑफ वाली की है। बाकी पावर ऑन ऑफ मोड, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड प्ले पॉज, एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन को अगर आप होल्ड करे रखोगे तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस का काम भी करता है। देन आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको वॉल माउंट पॉइंट्स भी मिल रहे हैं अलग से लगाने, एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3, HDMI, ARC पोर्ट, ऑप्टिकल इन पोर्ट एंड ऑक्स इन पोर्ट, और ये सब वूफर की आउटपुट है जो कि सिंपली प्लग एंड प्ले प्रोसेस के साथ काम करता है। बोट अवान्ते बार ओरायन की जो टोटल वोट RMS आउटपुट है वो है 160 वोट, 40 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, और ये आता है बोट सिग्नेचर साउंड के साथ। वेल, बोट का लास्ट साउंड बार जब हमने रिव्यू किया था तो उसका साउंड सिग्नेचर काफी ऑसम था। लेट्स सी इसका कैसा होगा। वेल, इसके लिए करेंगे हम रियल टाइम टेस्ट अपने स्टाइल में। तो देखो, हमेशा की तरह लाइव टेस्टिंग मोड सेटअप कर लिया है। टीवी है सामने, उसके जस्ट नीचे साउंड बार एंड फ्लोर पर कॉर्नर में सबवूफर, एंड इसको सेटअप करना प्लग एंड प्ले प्रोसेस है, मतलब खेल ही जाओगे। तो टीवी में HDMI ARC केबल इंसर्ट करनी है, देन दूसरा एंड साउंड बार में। सबवूफर को फ्लोर पे रख के कनेक्ट कर दिया साउंड बार से, एंड साउंड बार की पावर कोर्ड को लगा दिया सॉकेट में, एंड बस हो गया। तो पहले कुछ म्यूजिक सैंपल्स हो जाए जिसके लिए हम म्यूजिक प्रीसेट यूज करेंगे। कर दो प्ले। तो देखो, यहाँ पे छोटे छोटे सैंपल्स ही सुनाऊंगा, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाए। तो जो फुल लेंथ अनकंप्रेस्ड सैंपल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके सुन लेना। बाय द वे, ये थोड़ा सा पार्ट सुन के आपको समझ आ गया होगा कि बेस का थंप इज ऑसम एंड वोकल्स में क्लैरिटी प्लस हाइज। ओए होए होए होए। तो यहाँ पे जो बोट का साउंड सिग्नेचर है वो अपना पूरा तहलका मचाते हुए दिख रहा है और मचाते हैं। थंप एक नंबर है। तो देखो, सबसे पहली चीज बेस आती है क्योंकि इंडियंस को बेस पसंद है, बेबी को नहीं, इंडियंस को ही। एंड यहाँ पे जो ये बेस है ये रोलिंग बेस है, मतलब कोई फेक वाला फील नहीं आता। अभी ईयरफोन्स पे सैंपल सुनना, यू विल गेट टू नो, क्योंकि कपड़ों में भी फील हो रही है वो चीज कि जैसे वाइब्रेशन नीचे से ऊपर चढ़ रही हो। थोड़ा हार्ड बेस वाला लेते हैं। देखो, म्यूजिक का एक्सपीरियंस आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा कि बेस टॉप ऑफ द लेवल, बहुत हैवी थंप और रोलिंग बेस, मतलब जो वेव्स वाली बेस होती है ना कि वाइब्रेशन आपको फील होता है क्लोथिंग में, चीजों में, वो पूरा एग्जैक्टली ऐसा ही फील होगा। और इतना हैवी बेस होते हुए भी जो वोकल्स एंड ट्रेबल है यानी कि हाइज एंड मिड्स, वो क्या मस्ट डिलीवर कर रहा है। एंड 30 लेवल इसमें 100% वॉल्यूम है तो उस पे भी कोई कंप्रेशन नहीं आ रहा और ना ही कोई डिस्टॉर्शन। तो इसको डालते हैं मूवी EQ पे और कुछ ट्रेलर्स देखते हैं। डायलॉग्स कम, बेस ज्यादा थी, पर पूरा थिएटर वाला इमर्सिव एक्सपीरियंस आ रहा था। लेकिन बेस से काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा डायलॉग बाजी भी चाहिए। तो
देखो शुरू में मुझे बेस बहुत ज्यादा ओवर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने ध्यान गया कि रिमोट पे आपको बेस एंड ट्रेबल के डेडिकेटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, एंड जैसे ही मैंने बेस का लेवल हल्का सा कम किया, इसने तो मौज ही कर दी। तो थिएटर का इमर्सिव एक्सपीरियंस तो इसका थ्रिलिंग बेस दे रहा है, और क्रिस्टल क्लियर वोकल्स एंड डायलॉग्स मिल रहे हैं इसके साउंड बार पे। तो म्यूजिक एंड मूवीज में तो एकदम ये पास हो गया। तो अब इसका थोड़ा न्यूज एंड 3D वाला प्रीसेट देख लिया जाए। तो देखो न्यूज प्रीसेट में क्या हो रहा है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको ये थोड़ा कंप्रेस कर दे रहा है, जिससे जो आपको न्यूज की डिलीवरी है वो एकदम क्लियर सुनाई दे, एंड ये उसको प्रॉपर्ली डिलीवर भी कर पा रहा है। तो अभी मैंने इसको म्यूजिक प्रीसेट पे डाला हुआ है, देन गाना प्ले करके तुरंत 3D में शिफ्ट करेंगे। तो देखो 3D में एज सच डिफरेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा बेस कम जाता है और बहुत माइनर सराउंड इफेक्ट ही आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करता है। 2.1 साउंड बार है तो कोई आपको यहाँ पे सराउंड इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट एक आर्टिफिशियल इफेक्ट के लिए 3D प्रीसेट है जो कि आप म्यूजिक के टाइम पे यूज कर सकते हो। देखो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस साउंड बार का वो काफी अमेजिंग है, एंड अमेजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लो मिड एंड हाई यानी कि बेस ट्रेबल एंड डायलॉग्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सैंपल्स आपने सुन लिया, आपको खुद आइडिया लग गया होगा। एंड इस साउंड बार का जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव पार्ट है वो है इसका खतरनाक बेस। मतलब आप इस प्राइसिंग पे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो बेस कर लो या फिर मिड एंड हाईज कर लो, बट यहाँ पे सब कुछ ही एक नंबर मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी अगर आप इसको ट्राई करोगे तो यू विल डेफिनेटली लव इट। एंड हाँ आपकी नॉलेज के लिए बता दो, 15x15 के रूम में बैठा हूँ तब इतना खतरनाक थम पा रहा है। तो इस साउंड बार के साथ आप अपने टीवी को होम थिएटर में कन्वर्ट कर सकते हो विद स्टीरियो साउंड, एंड लिटरली यार जो इसका एक्सपीरियंस है वो माइंड ब्लोइंग है अंडर 10,000। एंड अभी अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 6999 की प्राइसिंग पे अवेलेबल है, एंड मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ा है कि बोट इस सेल में अप टू 70% तक का किलर डिस्काउंट देने वाला है अपने प्रोडक्ट्स पे, तो डेफिनेटली एक बार तो चेकआउट करना। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग बोट अवांते बार ओरायन, जिसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट दैट।